हेलो चैंपियंस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ एंड मस्त हैं दोस्तों मैं पी के मिश्रा आपका सोशल साइंस एजुकेटर लेट स्कोर हंड्रेड में आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस एंड हमेशा की तरह इसमें हम लोग लर्निंग ट्रिक्स शेयर करेंगे और चैप्टर को अच्छे से समझ समझेंगे तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस चैप्टर में तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम जिसमें है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस राइट सो मिनरल्स पहले हम देखते हैं अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि हम लोग मिनरल्स पे हैवली डिपेंड करते हैं और इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं हम लोग मिनरल्स पर कि मिनरल्स के बिना शायद जिंदगी यानी बेसिकली मॉडर्न लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं हम लोग सुबह उठते हैं सबसे पहले हम लोग पानी पीते हैं राइट और पानी में कौन कौन से मिनरल पाया जाता है वाटर में कौन कौन सा मिनरल होता है वाटर में हमारा क्या होता है कैल्शियम होता है मैग्नीशियम होता है पोटेशियम होता है आयरन एंड जिंक होता है बट कुछ लोगों की शुरुआत सुबह सुबह की शुरुआत पानी से ना होकर के मोबाइल फोन से होती है लैपटॉप से होती है या टैब से होती है तो अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हमारा जो ये ये गैजेट्स हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते यानी ये तो पानी के जैसे ही इंपॉर्टेंट हो गए जैसे पानी इंपॉर्टेंट है वाटर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसी तरह से ये गैजेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं पर आपको ये जरूर पता होगा कि हमारे जो गैजेट्स हैं चाहे टैबलेट हो चाहे मोबाइल हो चाहे हमारा लैपटॉप हो इनमें भी कॉपर का यूज होता है इनमें भी कॉपर आप जानते हैं कॉपर गुड कंडक्टर होता है राइट कॉपर का यूज होता है सिलिका का यूज होता है बॉक्साइड का यूज होता है और कॉपर का यूज होने की वजह से वाइल्ड चार्जिंग हमारे गैजेट हीट होते हैं राइट तो अगर हम ध्यान दें सुबह सुबह आप लोग जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से स्कूल जाते हैं चाहे वो स्कूल बस हो सकती है चाहे आपकी कार हो सकती है चाहे आपकी बाइक हो सकती है उसमें भी हम एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या कुछ है इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का आ सकता है वन मार्कर में या टू मार्कर में भी आ सकता है अगर टू मार्कर में आएगा तो यू पीपल विल बी आस्ट एक्सप्लेन द टर्म मिनरल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वन मार्कर में होगा तो क्या होगा डिफाइन मिनरल आइए देखते हैं मिनरल क्या होता है राइट right? सो so आप लोग जानते हैं जो जियोलॉजिस्ट होते हैं जियोलॉजिस्ट का फील्ड ऑफ स्टडी होता है मिनरल्स तो जियोलॉजिस्ट ने क्या बताया उन्होंने कहा कि मिनरल के थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहला ये होमोजीनियस होना चाहिए दूसरा ये नेचुरली अकरिंग होना चाहिए और इसका डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होना चाहिए तभी हम इसको मिनरल बोल सकते हैं राइट आइए देखते हैं सो वाट डू वी मीन बाय होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर मिनरल में सेम काइंड के एलिमेंट होने चाहिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन में जितने भी एलिमेंट होते हैं चाहे वो अमेरिका का आयरन हो चाहे वो इंडिया का आयरन हो या आयरन कहीं भी पाया जाए अगर आप उसे देखेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को तो सेम टाइप का एलिमेंट पाया जाएगा इसी तरह कॉपर ले लीजिए तो बेसिकली होमोजीनियस मतलब क्या होगा कि उस पर्टिकुलर मिनरल में हमें सेम टाइप के एलिमेंट्स दिखेंगे चलिए अब दूसरा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए मिनरल क्या होना पहला क्या हो गया मिनरल होमोजीनियस होना चाहिए तो हमने समझ लिया दूसरा क्या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए यानी मिनरल्स को हम फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं वो अलग की बात है कि हम लोग मिनरल्स को क्या करें रिसाइकल कर लेते हैं जैसे आयरन आयरन हुआ इसको रिसाइकल कर लेते हैं कॉपर हुआ जिनकी जो हमारे घरों के वायरिंग में बहुत जरूरी होती है उसको हम रिसाइकल कर लें वो अलग की बात है बट इसे हम बना नहीं सकते हैं ये नेचुरली ही अकर होता है नेचर में पाया जाता है रॉक्स में पाया जाता है राइट right? तीसरा क्या है इनका जो डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एक बार देखते हैं क्या बोला गया है डिफाइनेबल डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर तो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स में उनके जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स एटम्स बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर मिनरल है उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के का अरेंजमेंट किस ऑर्डर में हुआ है तो पूरी दुनिया में कहीं भी वो मिनरल पाया जाए तो उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो उसी ऑर्डर में होगा यानी मॉलिक्यूल्स और एटम्स उसी ऑर्डर में पाए जाएंगे उस पर्टिकुलर मिनरल में तो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या देखा तीन कीवर्ड आप लोग याद रख लीजिए पहला क्या है होमोजीनियस दूसरा क्या है नेचुरली अक्रीन सब्सटेंस तीसरा क्या है डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर इसको एक ट्रिक से हम लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं और वो ट्रिक है हमेशा की तरह जैसे आप लोग जानते हैं वो ट्रिक है आप लोग ध्यान दीजिए वो ट्रिक है होमो होमो नोस होमो नोस डिस बेसिकली आप लोग इसे दिस बोल सकते हैं दिस ये देखिए होमो नोस दिस से आपका मिनरल की डेफिनेशन आपको याद हो गई होमो होमोमिन होमोजीनियस नॉस मीनस नेचुरली नेचुरली अक्रेंग सब्सटेंस डिस इंटरनल स्ट्रक्चर सो बेसिकली इस ट्रिक की हेल्प से आप लोगों को मिनरल की डेफिनेशन डेफिनेटली याद हो जाएगी आई होप आप लोगों को ये समझ में आया दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर कुछ मिनरल्स बहुत कुछ मिनरल्स बहुत हार्ड होते हैं बेसिकली कुछ हार्डेस्ट होते हैं और कुछ सॉफ्टेस्ट होते हैं इसके दो एग्जाम्पल है हमारे पास हार्डेस्ट का एग्जाम्पल है हमारा डायमंड राइट एंड सॉफ्टेस्ट का एग्जाम्पल है हमारा टैल्क आइए देखते हैं देखिये नेचर में जो डायमंड होता है वो इस तरीके से आ, इस अवस्था में इस कंडीशन में पाया जाता है और आफ्टर रिफाइनमेंट वो इस तरीके का हो जाता है कहते हैं ना घिसने से हीरे में चमक आती है इसलिए हम लोगों को कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए घिसने के बाद ही चमक आएगी हम लोगों में भी घिसना मतलब पत्थर से घिसाई नहीं घिसने का मतलब वेन वेन वी फीस वेन वी फेस प्रॉब्लम्स तो हम वी कम आउट मोर स्ट्रोंगर देन अर्लियर राइट चलिए दूसरा देखिए तो हार्डेस्ट का एग्जाम्पल हो गया दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ये टैल्क ये सॉफ्टेस्ट है और ये तो वो टेलकम पाउडर हम सारे यूज करते हैं आ, समर्स में आ, चाहे वो कैरम बोर्ड खेलना हो चाहे हम बॉडी में लगाते हो जॉन्सन जौ, के बेबी पाउडर आप लोगों ने देखा होगा घरों में या हम लोग भी आ, टेलकम पाउडर आ, समर्स में यूज़ करते हैं और हमारा जो जवान है या पठान है शाहरुख खान है वो भी ठंडा ठंडा कूल कूल टेलकम पाउडर का ऐड पहले किया करते थे राइट right? दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है आपको मजा आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब लेट्स स्कोर हंड्रेड एंड डू नॉट फर्गेट टू लाइक द वीडियो चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं नाउ वी विल स्टडी अबाउट यस वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस तो अर्थ क्रस्ट Earth's crust is made up of different minerals. दोस्तों आप लोग जानते हैं crust, mantle, core. तो ये जो अर्थ का, ये अर्थ का जो जो का का होता है है जिसकी मोटाई सबसे कम होती है, minerals इसी पे पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट पे भी ये तो अपना मेंटल हो गया या कोर हो गया खैर हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करें हम क्रस्ट की बात करेंगे तो द अर्थ क्रस्ट इज अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स जो जितने भी मिनरल्स हम हमें मिलते हैं बेसिकली मिनरल्स जितने भी मिनरल्स हम माइन करते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में ही हमें मिलते हैं, हैं. हैं बट कभी कभी कुछ ऐसे रॉक्स भी हो सकते हैं जिसमें कोई भी मिनरल ना मिले राइट right? आइए देखते हैं दूसरा वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड देखिए मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बेसिकली आप लोग जानते हैं कि आ, और होता है पहले रॉक है रॉक में हम रॉक से पहले हम रॉक के पास जाते हैं उसको रॉक से हम और निकालते हैं फिर और से हम उसको रिफाइन करके हम क्या निकालते हैं मिनरल निकालते हैं राइट सो सिर्फ क्या हो गया रॉक हो गया रॉक के, रॉक के पास हम गए वहां से हमने मिनरल ओर निकाला और, और मिनरल निकाला रॉक ओर देन मिनरल वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स अब जैसे मिनरल क्या है आयरन और एक मिनरल है उससे हम क्या निकालते हैं आयरन निकालते हैं राइट आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट अब हम देखने वाले हैं इस पर क्वेश्चन आ सकता है इसपे क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन आर लाइफ इन ह्यूमन लाइफ यानी हमारी लाइफ में मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है राइट right? आइए देखते हैं मिनरल्स आर इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आर लाइफ जैसा कि हम लोगों ने पहली स्लाइड में पढ़ा था बिना मिनरल्स के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते मिनरल्स आर एज इंपॉर्टेंट एज ऑक्सीजन आइए देखते हैं कैसे दूसरा पॉइंट देखते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग जिस घर में हम आप रहते हैं जिस कमरे में हम आप बैठे हैं जहां से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं या जिस घर में बैठ करके आप लेक्चर देख रहे हैं या स्कूल में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं हर जगह मिनरल्स चाहे वो दरवाजे का नॉब हो डोर नॉब हो चाहे जिस लाइट के नीचे आप लाइट जिस लाइट में आप बैठे हैं उसमें भी कॉपर का यूज होता है टंगस्टन का यूज होता है जो मिनरल ही है जिस फैन के नीचे आप बैठ करके ये वीडियो देख रहे होंगे उस फैन में भी कॉपर का इस्तेमाल होता है राइट चलिए सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू द टॉरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप

कार्स आप लोग जानते हैं कार्स हो जाए बसेस हो राइट right? ट्रेन हो एरोप्लेन हो आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स अब जो हमारी कार्स एंड बसेस होते टिन का इस्तेमाल होता है कॉपर का इस्तेमाल होता है राइट इलेक्ट्रिसिटी यू नो कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है दीज आर डिराइव फ्रॉम द अर्थ राइट अगला इवन द ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट आप लोग देखिए इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि सुबह उठते ही हम पानी पीते हैं पानी में आयरन होता है जिंक होता है कैल्शियम होता है मैग्नीशियम होता है पोटेशियम होता है नॉट ओनली दैट आयरन की जरूरत तो हमें होती है लेकिन हम आयरन खाते नहीं हैं डायरेक्ट आयरन नहीं खाते आयरन के सोर्सेज हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अगर हमें आयरन चाहिए आप लोग जानते हैं आयरन हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बनने के लिए बहुत जरूरी होता है और आयरन का एक सोर्स ये भी होता है स्पेनेच आप लोगों को आप हो सकता है Uh, आप में से कई लोगों को आयरन uh, ये बेसिकली स्पिनेच पसंद ना हो बट आई होप पनीर आप में से लगभग ज्यादातर लोगों को पसंद होते हैं और पनीर इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम राइट सो इन इन सारे फॉर्म्स में हम मिनरल्स uh, को खाते हैं इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड देखिए जैसे आयरन एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है कितने लोगों को लाइवलीहुड मिल रही है राइट right? एंड उसके बाद चाहे डेकोरेशन हो लाइट्स अगेन जैसे लाइट्स की बात करी हम लोगों ने लाइट्स में ढेर धे, सारी तरह के मिनरल्स जो जिस ट्यूबलाइट में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं कॉपर का इस्तेमाल हुआ और भी ढेर सारे टंगस्टन का इस्तेमाल होता है ढेर सारे और भी मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं है ना फेस्टिवल्स चाहे दीपावली का फेस्टिवल हो हर फेस्टिवल्स में भी मिनरल्स का इस्तेमाल होता है रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स में भी फेस्टिवल का इस्तेमाल रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स में भी मिनरल्स का इस्तेमाल होता है उसके बाद हम देखते हैं छठा हमारा है लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल बेसिकली अगर मिनरल ना हो तो हमारी लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या हो गया जैसे रेस्पिरे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया स्केलेटल सिस्टम हो गया डायजेस्टिव सिस्टम हो गया ये सब अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे राइट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट यस ये जो एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में दिया हुआ है इसमें से ये जो बुक हमारा हमारे बुक में जो एग्जाम्पल ये दिया हुआ है बॉक्स में इसे हम लोग जरूर पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कभी कभी वन मार्कर आ जाता है तो इसे पढ़ के समझ लेते हैं आइए देखते हैं क्या कुछ है स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स सुबह सुबह उठकर हम टूथपेस्ट करते हैं तो देखिए मिनरल का क्या रोल होता है तो टूथपेस्ट क्लीनस आर टीथ और टूथपेस्ट हम करते हैं आप लोग अगर महसूस करिए कभी टूथपेस्ट करने के बाद वी फील फ्रेश यार मतलब ताजगी आ जाती है मुंह के अंदर राइट तो इसमें अब्रेसिव मिनरल यूज होते हैं जैसे सिलिका अब्रेसिव मिनरल मतलब ऐसे मिनरल जो क्लीनिंग का काम करते हैं आइए देखते हैं

उसके बाद दूसरा कैविटीज़ बचपन में हम सारे खूब चॉकलेट खाते हैं और अलग अलग बहाने बनाते हैं ताकि ब्रश न करना पड़े राइट तो उसका रिजल्ट क्या होता है इन भाई साहब की तरह बचपन में में हम में से कईयों के दांत इस तरीके के रहे होंगे और हम में से कुछ लोग तो अब भी बहानेबाजी करते हैं और ब्रश नहीं करते हैं और रिजल्ट क्या होता है इस तरह का टीथ अब इसके इसमें भी हमें मिनरल की हेल्प चाहिए फ्लोराइट right नाम का एक मिनरल होता है आइए देखते हैं ये देखिए ये फ्लोराइट नाम का एक मिनरल होता है देखिए अब जो ये कैविटीज है वो कैविटीज को हम कम कर सके और धीरे धीरे बाद में खत्म कर सके इसके लिए क्या यूज होता है फ्लोराइड विच यूज टू रीड विच इज यूज टूथपेस्ट में फ्लोराइड यूज होता है जो फ्लोराइट याद देखिए आर आई ई है ये आर आई ई तो फ्लोराइड मिनरल हम फ्लोराइड हम यूज करते हैं टूथपेस्ट में ताकि कैविटीज कम हो जाए और ये फ्लोराइड किससे आता है किस मिनरल से आता है फ्लोराइड से आता है एक बार क्लीन कर देते हैं देखिए ये फ्लोराइड जो है फ्लोराइड न... मिनरल से आता है पढ़ लेते हैं फ्लोराइड विच यूज टू रिड्यूस, रिड्यूस कैविटीज वन मार्कर में आ सकता है कैविटीज को रिड्यूस करने के टूथपेस्ट में क्या चुकी देखिए ऐसा है कि जो भी बोर्ड का एग्जाम है हमारा आज तक का रिकॉर्ड है कि जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी से पूछते हैं तो उनका दे हैव एवरी राइट टू फ्रेम द क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिया है एंड इट इज आर ड्यूटी आपकी और मेरी ड्यूटी है कि जो भी एनसीईआरटी में है हम सब उसे सब सब कुछ पढ़े तो आइए देखते हैं ये हमारा हो गया है ना तीसरा पॉइंट क्या है मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड व्हाइट ये टूथपेस्ट का कलर जो व्हाइट होता है ये देखिए टूथपेस्ट का कलर जो व्हाइट है ये क्यों होता है टूथपेस्ट कलर का व्हाइट उसके लिए क्या लगाते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड राइट विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स लाइक रिटाइल हो गया एल हो गया एन एनाटीज हो गया तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसे मार्क कर लीजिए ये आ, ये आ सकता है कि टूथपेस्ट का कलर वाइट व्हाइट कैसे होता है टाइटेनियम ऑक्साइड से कैविटी किससे रिड्यूस होती है फ्लोराइड से ठीक है और अब्रेसिव मिनरल कौन कौन से हैं सिलिका लाइमस्टोन एंड एल्यूमिनियम अगला देखते हैं आपने देखा कुछ कुछ टूथपेस्ट में स्पार्कल होता है जैसे देखिए इसमें ग्रीन कलर के स्पार्कल है किसी किसी में रेड कलर के स्पार्कल होते हैं ये स्पार्कल किससे बनते हैं माइका से राइट स्पार्कलिंग कलर किससे दिया जाता है माइका से राइट अगला पढ़ते हैं। इतना ही नहीं ये, ये टूथपेस्ट का एग्जाम्पल अपने आप में एनफ है टू तो शो दैट वी हैविली डिपेंड ऑन मिनरल्स राइट देखिए द टूथ ब्रश ये देखिए जो टूथब्रश का टूथब्रश का जो प्लास्टिक की बॉडी होती है राइट right? और चाहे ब्रिसल्स ये ब्रिसल्स हो और टूथपेस्ट का जो ट्यूब ये का ट्यूब ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक ये प्लास्टिक कहां से आता है पेट्रोलियम से पेट्रोलियम क्या है मिनरल है टो नाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ हैवीली वी डिपेंड ऑन मिनरल्स राइट चलिए

आइए पढ़ते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड पे पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम होता है और स्केलेटल सिस्टम की बात आए तो आप लोग जानते हैं स्केलेटल सिस्टम इज बोन्स राइट और बोन्स एंड टीथ को हेल्दी बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं ल्शियम की हेल्प लेते हैं राइट तो आइए देखते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं कैसे हमारे लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं अब जैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं जिंक हो गया राइट जिंक लाइफ प्रोसेस एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अगर हमारी बॉडी में जिंक की कमी हो जाए तो क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा क्यों क्योंकि जिंक जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है अगर आयरन की कमी हो जाए तो हिमो आयरन की कमी से आप लोग जानते हैं हिमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसी तरीके से कैल्शियम राइट right? या कॉपर की चलिए बात कर लेते हैं कॉपर हमारे नर्वस सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन रखता है फिर से रिपीट कर रहा हूं जो कॉपर होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है तो हमने देखा जिंक हुआ कॉपर हुआ आयरन हुआ ये हमारे लिए कितना जरूरी हो कैल्शियम तो हम लोगों ने देख लिया कैल्शियम किस तरीके से काम करता है कैल्शियम हमारे मान लीजिए बोन्स एंड टीथ को तो हेल्दी बनाता ही है अगर मान लीजिए कभी घाव लग जाए चोट ब्लीडिंग होने लगे तो ब्लड की क्लॉटिंग में भी कैल्शियम बहुत ज्यादा हेल्प करता है तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट अगर विदाउट मिनरल्स नाउ दूसरा पॉइंट देखते हैं ऑल दो आर मिनरल इनटेक आर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट जीरो पॉइंट थ्री परसेंट मिनरल्स एक्चुअली हमारा जो टोटल न्यूट्रिएंट्स का इंटेक होता है ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स उसका बहुत ही बहुत ही कम मात्रा में मिनरल हम बहु, बहुत ही कम बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में हमें मिनरल्स चाहिए होता है लेकिन अगर वो बहुत कम क्वांटिटी वाला मिनरल भी अगर उसको हम लाइक कर गए हाँ यानी हमारे न्यूट्रिशन में हमारे जो हम फूड खा रहे हैं अगर उससे हमें मिनरल नहीं मिल रहा है तो क्या होगा जो बॉडी की इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर बॉडी में जिंक की, की कमी है तो हमारी बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बना पाएगी और जब फूड का डाइजेशन ही नहीं होगा तो सारी चीजें यू नो क्या हो जाएगी है वायर हो जाएंगे कुछ भी नहीं हो सकता राइट लिविंग बींग विनटेक रिप्रेजेंट ओनली अबाउट जीरो पॉइंट थ्री परसेंट

देखिए सोया चंक्स में भी ये देखिए ये हमारा कैल्शियम ये हमारा आयरन आप लोग देखिए जैसे ये सो, सोया चंक्स, सोया बड़ी आप लोग जानते होंगे अब देखिए जैसे प्रोटीन ग्राम में चाहिए फैट ग्राम में है कार्बोहाइड्रेट ग्राम में है लेकिन आप देखिए कैल्शियम मिलीग्राम में है आयरन मिलीग्राम में यानी वी नीड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स बट वी डू नीड इट राइट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक्स क्या होते हैं भैया हम लोग जानते हैं रॉक्स क्या होते हैं रॉक्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है मिनरल राइट आइए देखते हैं रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम लोगों ने पहले ही वाली स्लाइड में पढ़ा था कि होमोजीनियस सब्सटेंसेस क्या होते हैं होमोजीनियस सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं राइट right? तो रॉक्स आर रॉक्स क्या होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं होमोजीनियस सब्सटेंसेज यानी मिनरल्स के कभी कभी क्या होता है एक रॉक में एक पर्टिकुलर रॉक किसी एक पर्टिकुलर मिनरल से ही बने होती है फॉर एग्जाम्पल ये देखिए फॉर एग्जाम्पल लाइम स्टोन लाइम स्टोन में केवल एक ही तरह का मिनरल होता है जो रॉक जो रॉक लाइम स्टोन से बनी हुई होती है उसमें केवल एक ही तरह का मिनरल होता है लाइम स्टोन राइट बट लाइम स्टोन हो गया वो मार्बल लाइमस्टोन और मार्बल में एक ही तरह का मिनरल होता है लेकिन ज्यादातर रॉक्स में एक से ज्यादा मिनरल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल साइंडस्टोन ले लीजिए ये वही साइंड है जिससे रेड फोर्ट दिल्ली का रेड फोर्ट बना हुआ है इसीलिए वो लाल कलर का दिखता है अब जो रेड स्टोन होता है बेसिकली जो साइंड स्टोन होता है जो रेड कलर का होता है साइंड स्टोन में क्या क्या होता है क्वार होती है माइका होती है फेल्स फेल्ड स्पार होता है सिल्ट एंड क्ले भी होता है तो बेसिकली हम लोग क्या समझ रहे थे हम लोग ये समझ रहे थे कि जो रॉक होती है कभी 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 क्या होता है कि कभी 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 ये होता है कि एक रॉक में केवल एक ही तरह का मिनरल पाया जाता है जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा लाइम एंड मार्बल दो एग्जाम्पल बुक में एनसीआरटी में एक ही दिया है केवल लाइम दिया है बट मार्बल भी मार्बल एंड लाइम ऐसे दो मिनरल्स हैं राइट मतलब ये जिस रॉक में पाए जाते हैं वो अकेले ही होते हैं बट ज्यादातर रॉक्स में क्या होता है ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे हमने देखा सैंड अगर जिस रॉक में सैंड पाया जाएगा और सैंड में जैसे हम लोग देखा भी होता है माइका भी भी होता है, भी होता है है और सिल्ट एंड क्ले भी होता है नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट ये देखिए साइंड स्टोन आप लोग देख सकते हैं देखिए दिल्ली का जो रेड फोर्ट है देखिए इसी में इसी स्टोन से बना हुआ स्टोन से बना हुआ राइट ये राजस्थान से मंगवाया गया था जब मुगल्स ने बनवाया था अब देखिए so जो मिनरल्स होते हैं हम जो अपने आसपास मिनरल देखते हैं। जैसे एक मिनरल आपने देखा रेड स्टोन है ये लाल कलर का होता है अभी पिछली वाली स्लाइड में आप लोगों आप लोगों ने देखा कि उसका मार्बल का कुछ और कलर होता है या हम लोगों ने और क्या देखा था लाइम देखा था उसका कुछ और कलर होता है कुछ मिनरल्स बहुत हार्ड होते हैं जैसे कि हमने डायमंड देखा कुछ बड़े सॉफ्ट होते हैं जैसे कि टैल्स talc देखा टैल्कम पाउडर जिससे बनता है ठंडा ठंडा कूल कूल राइट एंड आइए एक बार देखते हैं इसे इस पर क्वेश्चन ये ये क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन आ सकता है टू मार्कर आ सकता है वाई आर माइनर सो वाई आर मिनरल्स बेसिकली वाई आर मिनरल्स सो वेरीट मिनरल इतने कलर के इतने वेराइटी के क्यों पाए जाते हैं तो अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्मड फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कई एलिमेंट्स मिलकर के बनते हैं डिपेंड्स अपॉन द ये बहुत इंपॉर्टेंट है खूब आता है एग्जाम में फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अंडर विच द मेटेरियल फॉर्म्स तो पहला पहली हेडिंग ये हो गई आप लोग इसे देख लीजिए ध्यान से पहली हेडिंग ये हो गई क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन यही बनेगा वाई आर मिनरल सो वेरी तो पहले हम बिकॉज हर मिनरल जो होता है अलग अलग फिजिकल और अलग अलग केमिकल कंडीशन में फॉर्म होता है दूसरा दूसरा रीजन क्या है इसी की वजह से चूंकि हर मिनरल अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और अलग अलग फिजिकल और केमिकल कंडीशन होती हैं इस वजह से इसी वजह से क्या होता है मिनरल्स हमें ढेर वाइट वेरायटी ऑफ कलर में देखने को मिलते हैं हार्ड हार्डनेस में देखने मिलते हैं क्रिस्टल फॉर्म्स में मिलते हैं लस् लस्टर मतलब क्या होता है चमक जैसे आपने वही देखा डायमंड डायमंड की चमक ज्यादा होती है जबकि देखिए सैंडस्टोन में चमक नहीं होती है या कम होती है डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनरल ये डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन एंड जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज कि कलर कैसा है हार्डनेस कितनी है इस प्रॉपर्टीज को यूज करके वो क्लासिफाई करते हैं मिनरल्स को राइट ये देखिए जो जियोलॉजिस्ट हैं ये रॉक्स की स्टडी करते हैं कि ये रॉक कितनी पुरानी है किन फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में बनी है राइट right? और कितनी क्वांटिटी में वो कहां कहां पाई जाती है दिस इज द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ जियोलॉजिस्ट अब देखते हैं हमारी बुक में आता है एक टॉपिक जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर में क्या फर्क है आइए देखते हैं पहले देखते हैं जियोग्राफर्स कौन होते हैं जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट बेसिकली जो जियोग्राफर होता है ना उसका एरिया ऑफ स्टडी बहुत ब्रॉड होता है वो डीप नहीं जाते है। वो वो कॉमनर होते हैं यानी उनको क्लाइमेट की भी स्टडी करनी होती है वेदर जियोग्राफर जो होता है वो क्लाइमेट की भी स्टडी करेगा वेदर की भी स्टडी करेगा सॉयल की भी स्टडी करेगा प्रेसिपिटेशन की भी स्टडी करेगा राइट लेकिन जो जियोलॉजिस्ट होता है वो मिनरल्स पे ही फोकस करते हैं मिनरल्स एनर्जी एंड एनर्जी पे ही फोकस करते हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं वो कॉमनर होते हैं राइट आइए आगे देखते हैं द जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर अटरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनिकली है उन सब चीजों को स्टडी करते हैं बट जो जियोलॉजिस्ट होते हैं दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दमेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनरल जो मिनरल मतलब कोई कैसे फॉर्म हुआ किन केमिकल और फिजिकल कंडीशंस में फॉर्म हुआ उन मिनरल्स की एज कितनी है ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है तो ये ये देखिए ये जियोलॉजिस्ट हैं ऑन साइट जाकर के रॉक की स्टडी कर रहे हैं ये ज्योग्राफर हैं राइट हमने डिस्कस कर लिया कि ज्योग्राफर जो होता है क्लाइमेट की स्टडी करता है वेदर की स्टडी करता है प्रेसिपिटेशन की स्टडी करता है सॉइल की स्टडी करता है रिवर की स्टडी करता है बट जो जियोलॉजिस्ट हैं वो मिनरल्स एंड एन एनर्जी रिसोर्सेज पे ही फोकस करते हैं हमारी तरह जैसे हम लोग फोकस कर रहे हैं हंड्रेड ऑन हंड्रेड पाने की एस में दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच